दोस्तों, टीम पाकिस्तान का यह घातक बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप में सभी टीमों की धज्जियां उड़ा देगा। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को लेकर धोनी का बड़ा बयान, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी टीम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को आप किसे मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टीम पाकिस्तान के इस खतरनाक बॉलिंग अटैक को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ने भी पाकिस्तान के इस खतरनाक बॉलिंग अटैक को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। दरअसल, पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड टीम के साथ 5 मैचों की 2020 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के इस स्क्वाड में पाकिस्तान टीम के ऐसे ऐसे घातक गेंदबाजों की वापसी हुई है जिसे देख पूरी दुनिया की टीम इस वक्त सदमे में आ गई है। दोस्तों, बता दें कि साइन और नसीम तो पहले से ही पाकिस्तान के आग उगलने वाले खूंखार गेंदबाज हैं, जिन्होंने दुनिया भर की टीमों को परेशान कर रखा है। अब पाकिस्तान टीम में दुनिया के बेहतरीन स्विंग गेंदबाज यानी कि मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, जो कीवी टीम के खिलाफ मैचों में मैदान पर वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने पीएसएल 2024 के इस सीजन में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, जिसके बाद पीसीबी ने उनको टीम पाकिस्तान में वापसी करा दी है। दरअसल, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जून माह में 2020 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी को मजबूती प्रदान की जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ने अभी से तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर के अलावा पाकिस्तान टीम में बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम की भी वापसी कराई जा रही है। दोस्तों, इमाद वसीम ने पीएसएल के इस सीजन में अपने बल्ले और बॉल दोनों से काफी ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी टीम को पीएसएल का चैंपियन बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान टीम में अब्बास अफरीदी जैसे तेज युवा गेंदबाज को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो टीम में सीनियर गेंदबाज शादाब खान और इमाद वसीम के अलावा अबरार अहमद और ओसामा मीर की टीम में एंट्री कराई गई है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड कप काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने पाकिस्तान के खतरनाक बॉलिंग अटैक को लेकर अपने बयान में कहा है कि टीम पाकिस्तान इस बार अपने मेन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर रहा है। ऐसे में विरोधी टीम को पाकिस्तान टीम के बॉलिंग अटैक से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। तो दोस्तों, धोनी के इस बयान से आप कितने ज्यादा सहमत हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। धन्यवाद।